be educating, but I'm so frustrated. Hello. Hi cuties, it's Yashita and welcome back to my channel and welcome to a new vlog. मैंने ना आप लोगों से Instagram story पे पूछा था कि आपको कैसे videos देखने हैं long format में and 90% of you guys said कि आपको vlogs देखने हैं, day in my life देखनी है, productive वाले vlogs देखने हैं जैसे मैं बनाती हूँ. So मैंने सोचा ठीक है फिर आज vlog ही कर लेते हैं. ये मेरे गोदी में है एलू और हम आ चुके हैं as usual हमारी morning walk के लिए. तो चलते हैं and I don't know how हर बार मैं और एली मैचिंग कर लेते हैं, ऐसा हम जानबूझ के नहीं करते, ऐसा तुक्के से हो जाता है. तो आज हम लोग ब्लू ब्लू में है. So if you guys are interested, please keep on watching. अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दो. Also hit the notification bell and follow me on my Instagram. And now let's get started with today's vlog. अच्छा guys, by the way, आज है महाशिवरात्रि. So a very happy महाशिवरात्रि to all of you. आप लोग ये ब्लॉग अगले दिन देख रहे होंगे, बट ये देखो मम्मा आज अर्ली मॉर्निंग मंदिर चली गई थी एंड वो पूजा करके आ गई है. मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ गाइज. तो मैं नहीं गई मंदिर, बट हाँ आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हर हर महादेव. डन आफ्टर 45 मिनट्स. थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी की मैंने, आपने जैसे देखा होगा पहले से एनर्जी बेटर हो रही है, बट मैं जैसे पहली थी एकदम पहले जैसे होने में काफ़ी टाइम लगेगा अभी भी, क्योंकि बहुत थक जाती हूँ, पैरों में बहुत दर्द होने लगता है. बट ठीक है, स्लोली गेटिंग एट इट. मुझे बैठना नहीं है इसलिए मैंने अपनी हैबिट डाली हुई है रोज वॉक करने की. थोड़ा थोड़ा वर्कआउट भी स्टार्ट कर रही हूँ ताकि पहले जैसी हो जाओ एकदम हेल्दी. डॉक्टर ने मुझे बोला ही था कि वॉक मिस मत करना, वॉक करना मेरे लिए बहुत जरूरी है. और ये जो ग्लो आता है ना आफ्टर वर्कआउट, पसीने वाला ग्लो, इसकी बात ही कुछ और होती है, इससे एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है. गाइस आजकल ना हम लोग जूस पीते हैं. ये जूसर लिया था अभी थोड़े टाइम पहले, दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड. अगर आप चाहोगे तो मैं लिंक डाल दूंगी. अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये बहुत अच्छा है. मतलब मम्मी की तो ये फेवरेट चीज बन चुकी है. क्योंकि जब से आया मम्मी हर चीज के जूस बराबर आके हमको पिलाती है. तो मेरा तो फेवरेट है गाइस कीनू ऑरेंज. अभी इसका सीजन बस जाने ही वाला है और ना मेरे को बहुत याद आएगी इसकी, बट दिस इज माई फेवरेट. तो मैं तो सिर्फ इसका पीऊंगी, मेरे लिए अलग बनेगा. बाकी देखो ये क्या क्या है मम्मा. लौकी, गाजर, बीटरूट, एप्पल. तो उसमें अच्छा उसमें लौकी भी डालते हो. हाँ. और आमला. आज आमला खत्म हो गया. आज आमला खत्म हो गया इसलिए नहीं, और फिर पास लिया तो मैंने कहा छोड़. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. तो चलो पहले मेरा ऑरेंज वाला बना दो भाई, मैं नहीं पीने वाली लौकी वोकी वाला. और आपको दिखाती हूँ गाइस कैसे बनता है, इतना मस्त लगता है ना इसमें. गाइज एकदम फ्रेश फ्रेश ऑरेंज जूस रेडी है हमारा. इसमें मैं ना तो चीनी डालती हूँ, जरूरत ही नहीं होती, ना नमक डालती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है. तो इसको मैं अभी आराम से बैठ के पीऊंगी. मम्मा का जूस भी रेडी है. इसमें वैसे आंवला डालो ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है. और काला नमक मैं जरूर डालती हूँ, पर आज फास्ट है तो मैंने दोनों चीजें नहीं है, क्योंकि आंवला तो है ही नहीं मेरे पास और नमक नहीं डाल रही हूँ. पर ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी है. चलो चीयर्स करें हम दोनों. मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले 2 महीने से, स्पेशली उन्हें पता होगा दैट आई एम ऑन दिस हीलिंग जर्नी राइट नाउ. एंड मैंने अपने रूटीन में काफी कुछ चेंजेस भी किए हैं जिससे मुझे काफी बेटर फील हो रहा है. सो इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी मेरी जगह पे है या कोई भी, यू नो इफ यू आर फीलिंग अ लिटिल लो, उससे कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हो. जस्ट ब्रीफली मैंने अपना जो न्यू रूटीन सेट किया है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है कि मैं बता नहीं सकती. आई हैव बिकम अ मॉर्निंग पर्सन ऑफिशियली. पहले मुझे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता था, अब आई वॉन्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जस्ट टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ. ये मैं क्या करती थी ना, सिर्फ वर्क पे फोकस होता था मेरा एंड अपने लिए इतना फोकस नहीं होता था उसमें. चाहे शूट करते टाइम मेरे मील्स मिस हो गए या मैं अपने आप को ओवर एग्जर्ट कर रही हूँ, स्ट्रेस ले रही हूँ, पर अब मैं वैसा नहीं करती. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन माई वर्क एंड एट द सेम टाइम टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ.
बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट. अभी मेरी प्रायोरिटी मैं खुद हूँ, उसके ऊपर कुछ नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट बेटर एंड बेटर. मुझे अपना ध्यान रखना है एंड मैं अच्छी रहूंगी, मैं फिट रहूंगी तो ऑफकोर्स मेरा काम भी होता रहेगा और बाकी सारी चीजें भी होती रहेंगी. इनफैक्ट आज ही मैं आपसे बैठ के आराम से मैनिफेस्टेशन पे बात करूंगी बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव बीन आस्किंग मी अबाउट इट. उसके बारे में भी बात करेंगे आज के ब्लॉग में. लॉन्ग रिलैक्सिंग हॉट शावर एंड आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज मैंने क्या क्या यूज किया है, क्योंकि आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं माई एवरीडे स्किन केयर रूटीन या मेरा शावर रूटीन. मैं एकदम डिटेल भी नहीं बता रही हूँ, मैं जल्दी से बता रही हूँ. बाय द वे नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, बट दिस इज द शावर जेल दैट आई यूज टुडे. दिस इज विंटर कैंडी बाय बाथ एंड बॉडी वर्क्स एंड आप देख सकते हो ये मुझे कितना पसंद है बिकॉज ये खत्म हो चुका है. मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये फ्रेग्रेंस एंड बाथ एंड बॉडी वर्क्स के इनफैक्ट सारे शावर जेल्स. यू गाइज नो मुझे थोड़ा ऑब्सेशन है. सो या My face wash, this is what I use every day. Bioderma again, जिसके भी acne prone या oily skin है मेरी तरह उनके लिए बहुत अच्छा होता है. Bioderma, if you're watching this, please sponsor me. So my hair today I use this. This is L'Oreal का professional range. ये मैं बहुत time से use कर रही हूँ. अगर आप लोग मेरे बहुत time से subscribers हो तो आपको पता होगा. So I use this Absolute Repair and इसका ही ये mask है. तो ये दोनों I use today. मैंने सोचा जल्दी जल्दी आपको बता दूँ. Now I'm just gonna go. Quickly get dressed, फिर मैं आपसे मिलती हूँ अब सीधा स्टूडियो में बिकॉज आई हैव टू शूट सम थिंग्स. तो मैं आपसे वहीं मिलती हूँ. आ गई हूँ स्टूडियो एंड मैं रेडी हो गई हूँ. आज महाशिवरात्रि है तो मैंने सोचा गेटअप थोड़ा एथनिक करते हैं. बहुत दिनों से मैंने ऐसे यू नो सूट वगैरह नहीं पहना था. मैंने एक छोटा सा रील भी बना लिया इंस्टाग्राम के लिए. अगेन इफ यू गाइज डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज फॉलो कर लो, वहां आपको डे टू डे अपडेट्स मिलते रहते हैं बिकॉज आजकल मैं स्टोरीज पे काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हूँ. एनीवे कैसे लग रहा है आपको मेरा लुक? मुझे काफी अच्छा लग रहा है. मन कर रहा है कहीं बाहर घूमने जाऊं, इतना तैयार हो गई हूँ. बट ठीक है, कोई बात नहीं. मुझे आपको ना स्टूडियो में कुछ कुछ अपडेट्स हुए हैं वो दिखाना है. सबसे पहले तो मैं आपको अपने बालकनी में लेके चलती हूँ, वहां पे अभी मैं दिखाती हूँ, रुको आप देख ही लो. सो आपको तो पता ही है मेरा रीसेंट ऑब्सेशन विद फ्लावर्स. तो स्टूडियो की बालकनी के लिए भी हम लोग ये सुंदर सुंदर से फ्लावर प्लांट्स लेके आ गए थे काफी दिनों पहले एक्चुअली, पर मैं आपको दिखाना भूल गई थी. और ये बहुत ही कलरफुल सा लग रहा है. प्लस मुझे ना यहाँ पे इसका अच्छे से मेकओवर करना है जो मैं थोड़े दिनों में करने वाली हूँ बालकनी का, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. पर फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे चिक भी लगवा ली है तो ये हाफ साइड से कवर हो गया है. सो काफी डिफरेंट और सुंदर सी लग रही है बालकनी. एंड गाइस इसके अलावा आई हैव टू शो यू एक बहुत ही क्यूट कॉर्नर जो मैंने अपने रूम में बनाया है. अगर आप शॉर्ट्स देखते हो मेरा एवरीडे तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा माय लिटिल रीडिंग कॉर्नर. ओ गॉड आई एम ऑब्सेस्ड विद इट. वेट लेट मी शो यू दैट. दिस इज अ लिटिल रीडिंग कॉर्नर दैट आई मेड इन माय रूम. ये वाली जगह खाली थी और यहाँ पे मैंने ऐसे फ्लोटिंग शेल्व्स लगवा दिया. दिस इज फ्रॉम अमेज़न. आप चाहो तो वो शॉर्ट्स देख सकते हो, मैंने सारी लिंक्स दी हुई है. एंड ये फ्रेम और ये ट्रंक्स जो सिम्बा लाइफस्टाइल के हैं, नीचे मैंने रग डाल दिया कुशंस. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. काफी कोजी सा स्पॉट बन गया है. अरे अभी आप देख लो मेरी पूरी आउटफिट विद दुपट्टा एंड ऑल, सब कुछ लेके आई हूँ मैं. काफी अच्छा लग रहा है मुझे. और मेरे साथ मेरा छुटकू भी आया है. ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आऊँ और ये मुझे स्टूडियो अकेले आने दे. ये पीछे पीछे आ ही जाती है. मैं कभी भी सोच लूँ कि नहीं आज एली को नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि यू नो इसका ध्यान भी रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ घुस गई है, कहाँ क्या कर रही है बदमाशी. बट ये आ ही जाती है मेरे पीछे, मेरा छुटकू, मेरा मुटकू. मिलो मुटकू. देखो भूख लग गई है. एलू एला मेरे पीछे 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 पीछे. गाइज आजकल मुझे ना ऑर्गेनाइजिंग का भूत सवार हो गया है, सच बता रही हूँ. नीचे घर पे भी एक एक कोना मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, अपना स्टूडियो भी एज यू गाइज कैन सी कुछ कुछ न्यू चीजें कर रही हूँ. तो कल से मैंने टास्क लिया था अपना वार्डरोब ठीक करने का. एंड वो सच में टास्क होता है, वो एक दिन का टास्क नहीं है, वो दो दिन उसमें आराम से लगता है. तो कल आधा मैंने ठीक किया था. वेट लेट मी शो यू. ये टॉप शेल्फ कल मैंने ठीक किया था. ये देखो कलर वाइज मैंने यहाँ टॉप्स डाल दिए हैं, बॉटम्स वगैरह जितना मुझसे हो पाया मैंने कल किया है. नीचे वाली जगह मैंने खाली कर दी थी, यहाँ पे मुझे अपने विंटर वेयर रखने जो कि यहाँ पैक्ड है. ओ गॉड ये देखो. ये भरमार एली देख रहे हो क्या करेगी तुम्हारी दीदी इतने कपड़ों का? हाँ क्यों क्यों लेती है दीदी इतने कपड़े, तुम बताओ क्या करूँ मैं. गाइस अभी इसको मैंने ना विंटर वेयर को सारे ऐसे पॉलिथिन में करके रख दिया ताकि खराब ना हो फिलहाल के लिए. उसके बाद आई विल सी कि अच्छे से मैं कैसे इसको स्टोर करूं. अभी सारे ऐसे पॉलिथिन में हैं और इसको मैं नीचे स्टैक करने वाली हूं. सो लेट्स क्विकली डू दैट. बहुत हो गया ये दुपट्टा. अब इसको साइड में रखना पड़ेगा और इन कपड़ों को ठिकाने लगाना पड़ेगा.
Let's do this. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Okay guys, so main apne new cozy corner mein baithi hu and I wanted to talk to you guys about manifestation. Maine subah bhi bola tha. So lot of you guys have been asking me, jo mere Instagram fam hai especially wo log, because maine recently na Q&A mein ye story dali thi. I'm gonna insert the clip right here of my vision board of last year, jisme gold play button tha. And last year hi humne wo goal achieve kar liya. To aap mein se bahut log mujhse poochte rehte hain, do I believe in manifesting? And the answer is yes, I do. Bachpan se I would say that I really believe in that. Pehle mujhe iska matlab bhi nahi pata tha, but I used to do it subconsciously and things used to happen. But later मैंने बुक्स पढ़ी और उसके बारे में जब मुझे और नॉलेज हुई दैट आई ट्राई टू अप्लाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन माय लाइफ एंड आई थिंक बहुत जगहों पे वो मेरे लिए वर्क किया है. सबसे पहले तो सिंस आई एम सिटिंग इन माय रीडिंग नुक, हम बुक के बारे में बात करेंगे, एक जो बहुत ही स्पेशल बुक है एंड आई थिंक आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा ऑलरेडी, विच इज द सीक्रेट. नाउ जिनको मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप लोग सोच रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू रीड दिस बुक. आपको इसी से सब कुछ पता चल जाएगा, जो भी नॉलेज आपको चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए जस्ट रीड इट. एंड ये बुक मैंने पढ़ी थी आई थिंक व्हेन आई वाज इन 9th और 8th स्टैंडर्ड. ये मेरे डैड की बुक है, ये पापा की है जो मैं हथिया चुकी हूँ और इसके जो बाकी पार्ट्स भी है वो भी मैंने उनसे रख लिए अपने पास ही. तो यस, ये मुझे अपने पापा के बुक शेल्फ पे मिली थी व्हेन आई वाज इन क्लास 8th और 9th एंड मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा इसका कवर पेज, द सीक्रेट क्या है ये, एंड आई रेड दिस. मैंने तब एक छोटी सी विजन डायरी बनाई, दिस इज माई लिटिल विजन डायरी. डायरी के कवर पेज में मैंने लिखा है माई ड्रीम्स एंड इसके अंदर जो भी मुझे लाइफ में चाहिए या जो मैं विजन करती थी उसके पिक्चर्स टिक किए थे. एंड ये मैंने किया था काम, वही मैं आपको बता रही हूँ, स्कूल टाइम पे जब मैं छोटी सी थी. बट आई वुड से इस डायरी में जितने मैंने पिक्चर्स टिक की है ऑलमोस्ट अभी भी सारी चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं, पर उसमें से ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया है मेरी लाइफ में. सो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा दिस इज हाउ मैनिफेस्टिंग वर्क्स. का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये करने से ही आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे लाइफ में. ऑफकोर्स आपको उसके लिए हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी पड़ेंगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. तो यस, आई होप आपको थोड़ा बहुत जिस्ट समझ आया होगा मैं जो कहना चाह रही हूँ. बट ट्रस्ट मी गाइज, आई एम नो एक्सपर्ट, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ तो मैं इतने अच्छे से आपको नहीं बता पाऊंगी, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ. आज का ज्ञान इतना ही बैठ के मैं लिटरली ज्ञान दे रही हूँ आपको, बट आप में से बहुत लोगों को जानना था इस बारे में. आई होप आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन, ये सेगमेंट यूजफुल लगा होगा. रीड दिस बुक आई वुड से. एंड अब मैं घर जा रही हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है, तो घर चल के कुछ अच्छा सा खाना खाते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ. यम्मी यम्मी लंच इज हियर. मैं नीचे आ गई हूँ घर पे, बनी है सांभर, चावल और आलू, बेस्ट, माई फेवरेट. और मैं बालकनी में आ गई हूँ, ऑफकोर्स गद्दे पे अपने फ्लावर्स के पास बैठ के खाऊंगी. मीटिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अभी शाम हो चुकी है, तो जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि आज है मम्मी का महाशिवरात्रि का फास्ट, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ, उनके लिए फलहार बनाऊँ. एंड उनको बहुत ज़्यादा पसंद है साबूदाने की खिचड़ी, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, बट ना साबूदाना मुझे खाना मना हो गया है. तब से मम्मी ने घर में साबूदाना मंगवाया ही नहीं है, ना बनाया है, ना किसी ने खाया है. बट दिस इज नॉट फेयर. अगर मुझे मना है इसका मतलब ये तो नहीं है कि मम्मी नहीं खाएंगे या बाकी सब नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने स्पेशली अभी ऑर्डर किया है, भिगो दिया है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ. आलू तुम खाओगी? तुम्हारी चोटी देखो कैसी हो गई. देखो अपनी चोटी, बस दिन में चार बार तो उसकी चोटी बनानी पड़ती है. ये देखो अब छुप गई है गाइस, ये छुप गई है कि उसकी चोटी ना. हेलो छोटे बच्चे नहीं होते जिनकी मम्मी पकड़ के उनकी पोनी बना देती है. ये देखो ये देखो ये देखो, फाउंटेन गर्ल. एली की पोनी की एक सेपरेट फैन बेस है सच में. ये आहा भाग गई भाग गई भाग गई. देखो बिगाड़ेगी, ये देख रहे हो, ये देखो इसका ये काम इसका करना ही है. बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसे करना, सब देख रहे हैं आप. सबसे
अच्छा जो फ्लेवर आता है ना साबुदाने की खिचड़ी में, वो आता है पिसी हुई भुनी हुई मूंगफली का, वो बहुत ही अच्छा पीनटी सॉर्ट ऑफ टेस्ट आता है। अभी इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, मम्मी ऐसी बनाती है, मम्मी ने मुझे समझाया कैसे बनाना है, तो उन्हीं की रेसिपी है ये। गाइस जब तक कुक हो रहा है साबुदाने की खिचड़ी, मैंने साइड में आप देख सकते हो चाय भी चढ़ाने के लिए रख दी है। जल्दी से ये बन जाए फिर सर्व करते हैं गर्मा गर्म। दादी का फास्ट नहीं है पर वो भी टेस्ट करेंगी ऑफकोर्स। वो वैसे ही खुश हो जाती है जब भी मैं किचन में आती हूँ और कुछ कुक करती हूँ। और आज तो मैं आई डोंट नो कितने महीनों के बाद कुक कर रही हूँ, मुझे याद नहीं ऐसा कुछ प्रॉपर मैंने बनाया हो, बहुत टाइम हो गया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको याद होगा अगर आपने 3-4 महीने पहले के व्लॉग्स देखे होंगे कि मुझे बीच में से कुकिंग का भूत सवार हो गया था, तो अब मैं इतने दिन के बाद आ रही हूँ तो आज काफी अच्छा लग रहा है। तो मम्मी आई है चेक करने कि मैं सही बना रही हूँ कि नहीं। बड़ी मस्त खुशबू आ रही है यार बस थोड़ी सी देर और दो मुझे, चाय भी नहीं, हो गई है, आराम मैं अभी लेके आती हूँ, अब बैठो। आपके जैसा बना है, मैं तो टेस्ट भी नहीं कर सकती आज। मेरे से लाख गुना अच्छा बना। अरे प्लीज यार ओ प्लीज उसको पता है मुझे मिर्च पसंद है तो ऊपर से हाँ ऐसे सर्व किया है मैंने सच में। हाँ सबके बस की नहीं है साबुदाने की खिचड़ी बनाना। अरे भाई भाई बस 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 हाँ जी क्या बोल रहे थे आप, मेरी काफी तारीफ हो रही है गाइस, मिशन सक्सेसफुल, मम्मी को पसंद आया सच में इतनी खिली खिली, आप लोग देखो कितनी खिली खिली खिचड़ी बनाई है इसने, मुझे लग नहीं रहा था, सच में मुझे नहीं लग रहा था, मैं सोच रही थोड़ी था आपको नहीं भरोसा नहीं, नहीं नहीं पूरा भरोसा है, क्योंकि हमेशा जब भी तुमने फर्स्ट भी कोई चीज ट्राई की है ना हमेशा बहुत अच्छी बनाई। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर माय तारीफ। जिस बच्चे को ये खिचड़ी इतनी पसंद है वो अपनी मम्मा के लिए बनाई है बिना खुद खाए तो बस बस ओहो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इसकी खुशबू से मैं अपना मन भर लूंगी। अब आप लोग आराम से खाओ, दादी अच्छी बनी है ठीक है खा लो। मैं आगे होगी रूम में, मैं स्टार्ट करूंगी इस व्लॉग की एडिटिंग क्योंकि कल सुबह ये लाइव होना है। एंड या आज का दिन काफी अच्छा था, काफी फुलफिलिंग सा था, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ऑल्सो साइड में आपको कोई दिख रहा है, मी बबल्स माय ब्रदर गिफ्टेड मी दिस व्हेन आई केम बैक फ्रॉम दी हॉस्पिटल। पहली बार आई थिंक मेरा भाई मेरे लिए ऐसा कुछ टफ टॉय लेके आया, टेडी बेयर, इट्स जस्ट सो स्पेशल फॉर मी। कलर ये प्यारा सा बबल गम पिंक है इसलिए मैंने इसका नाम बबल्स रख दिया है, सो मीट बबल्स गाइस। एंड ऑन दैट नोट आई एम गोना बी एंडिंग टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है प्लीज इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड या गाइज इन द कॉमेंट्स लेट मी नो कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और आपको आगे कैसे वीडियोज देखने हैं, ऐसे ही डेली ब्लॉग्स देखने हैं या जो भी देखना है मुझे बता देना। एंड या गाइज आप लोग अपना ध्यान रखो एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय।